दुकान में सीआरपीएफ आया था और हमको बुला के ले गया उन लोगों का कैंप तरफ। बोला कि तुम नक्सली हो, नक्सलियों के साथ जुड़े हुए हो, तुमको साले गोली मार देंगे, एसपी को बुला के जेल में डाल देंगे। सीआरपीएफ जो है कि गांव के लोगों को जो है अब जहां कहीं भी जो दुकान किए हुए हैं अगल बगल में एकदम वहाँ भीड़ जमती है, नेचुरल है कि वहाँ जो है कि भीड़ जमेगी और वहाँ के जो दुकानदार है उनको जो कि परेशान कर रहे हैं कि तुम नक्सलियों से मिले हो। मैंने बोला कि नहीं सर, हम एमसीसी नहीं है, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ग्रामीणों से पूछ लीजिए, गांव में मुंडा भी है, डकवा भी है, पूछ लीजिए मैं कैसा लड़का हूँ और क्या करता हूँ। सीआरपी कैंप बनाने के फले भी अभी कुछ इसी तरह का हो रहा है, तो सीआरपी कैंप बनने के बाद क्या होगा? सीआरपीएफ निश्चित तौर पे मतलब देश की और राज्य की सुरक्षा के लिए है, लेकिन ऐसे जगह जहाँ सिविलियन है विभिन्न क्षेत्रों में मतलब बीच में, तो उनकी जो स्वतंत्रता है, किसी को पूजा करना है, किसी को खेत में हल जोतना है, किसी को बैल चराना है, किसी को दुकान जाना है, किसी को शहर जाना है, तो उससे क्या है कि वह हर आदमी को नौकरियों करते हैं और उसको जो है ना दूसरे ढंग से लोग ट्रीट करते हैं जो मिलिट्री शासन है। सीआरपीएफ लोग जब से था तब से वहाँ सरकारी चपकल है, वहाँ पानी लेने भी तकलीफ हो रही है। यहाँ तो हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही नहाएंगे टाइप का बोलते रहते हैं, इसीलिए अभी पानी लाने भी कोई महिला नहीं जा रही है वहाँ डर से। अभी वर्तमान जो सीआरपीएफ का कैंप बन रहा है उसके इर्द गिर्द जो है कि एकदम ने खेती है, खेत है, लोग जो है अभी खेती का समय है, अपना खेती करने के लिए जो है कि हल बैल लेकर के जाएंगे, वहाँ कुदाली लेकर के जा सकते हैं और भी जो है कि औजार लेकर के जा सकते हैं और वहाँ फिर जो है कि एकदम उनके ऊपर भी जो है कि किसी प्रकार का कोई ये हुआ। तरह का घटना हो रही है यहाँ पर सीआरपीएफ आने के बाद, पहले कोई घटना नहीं होता था, ये लोग आके जिसको तिसको एमसीसी बनाने का प्लानिंग कर रहा है। मैं वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कुलाहन क्षेत्र के मेरे आदिवासी समुदाय गाँव में स्वतंत्र रूप से विचारण करते हैं, यहाँ पर सीआरपीएफ कैंप बनने से मुंडा मानकी एवं ग्राम के परंपरा व्यवस्था पर पूरा असर पड़ रहा है। अतः आप सभी दर्शक भाइयों, बुद्धिजीवियों एवं समाज सेवियों से मैं अपील करता हूं कि जिला उपायुक्त के श्रीनिवासन का मोबाइल नंबर 9472710699 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि यहां पर सीआरपीएफ कैंप ना बने और मुंडा मानकी एवं ग्राम का पारंपरिक व्यवस्था बरकरार बना रहे। मैं पश्चिम सिंहभूम झारखंड से कमाल पुर्ती इंडिया अनहर्ड के लिए।